ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। उनका अभिनंदन करें, आ जाओ भाई सामने आ जाओ, इधर टैंकर पर उतरे हो, इधर आ जाओ सामने मैदान में। जल्दी से यहां पे पहुंचो, उधर जल्दी जाते हो भाई के पास। और अब मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन के तहत जो हमारे साथियों ने हमारे भीम आर्मी के प्रभारी राजस्थान के भाई नील धैनवाल के नेतृत्व में जो साइकिल यात्रा हनुमानगढ़ से शुरू की थी भाद्रा से, वो सब साथी आ जाए, उन्हें भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ पर उनका परिचय और सम्मान होना है। मैं गुजारिश करूंगा भाई अनिल धैनवाल जी, वाय एडवोकेट वीर बहादुर जी, भाई सत्यपाल जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, भाई मुकेश चोपड़ा जी प्रदेश उपाध्यक्ष और संभाग प्रभारी भी बने, भाई जितेंद्र हटवाल वाल्मीकि पश्चिमी राजस्थान के प्रभारी आजाद समाज पार्टी, भाई सुनील भारतीय जी प्रदेश महासचिव भीम मालवी, बाबूलाल बाबा जी आते हो कर जाओ, आते पूरा मंच साहिब बैठा दिया है। रमेश नालिया जी, जमसिंह भगवान जी, सोनू सिंह जी, सुभाष मायल जी, छोटू राम चैनपुरा, रवि रामपुरा, कृष्ण कुमार जी, मुकेश बौद्ध जी, नागराज हेगड़े जी और भाई श्रवण कुमार, सभी साथी भाई के पास पहुंचे। और बस इस फोटो के जरिए आपका जो स्वागत और सत्कार भाई के हाथों होगा। और बस अब जो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो, और वजन ज्यादा हो गया, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो सभी साथी। मंच में ऐसे हिल ढूंढ रहा बिल्कुल। और अब सब मामले खत्म, आपके बीच में आपके महबूब नेता, इस देश के करोड़ों शोषितों दलितों और वंचितों की आवाज को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और हम तमाम लोगों को राजस्थान की जनता को संबोधित करें। मौसम आज आपके साथ है, आज मौसम आपके खिलाफ नहीं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बैठ जाओ। आपके जोश जज्बे का तो मैं कायल हुई, कभी राजस्थान के साथियों ने मेरे मान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दिया राजस्थान में, मैं इस बात को जानता हूं। मैं इसको उतार के रख दूं, मेरा आपका आग्रह हो, मेरी पगड़ी तो आप लोग हो, मेरा सम्मान तो मेरी माए बहने, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग,
और मेरा जीवन भी आप सबके लिए। तो आज के इस सामाजिक न्याय महासम्मेलन में अपनी बात को रखने से पहले समय समय पे भारत के इस पावन भूमि पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी, सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव संत कबीर, गुरु घासीदास संत गाड़गे जी महाराज नारायणा गुरु, जिनकी आज जयंती भी है, और समय समय पे सामाजिक परिवर्तन के जो अग्रदूत पैदा हुए, जिन्होंने अपने जीवन का हर एक पल कमजोरों, शोषितों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं की तरक्की के लिए लगाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नाईकर, पेरियार ललित यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसुम वर्मा, भगवान बिरसा मुंडा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, करोड़ों शोषितों वंचितों को भारत में वास्तविक आजादी के करीब ले जाने वाले विश्वधन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, और नमन करता हूं उन सभी शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, बांदा दीन वाल्मीकि, विजय सिंह पथिक जी, ऐसे सभी वीरों को नमन करता हूं। नमन करता हूं बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को, नमन करता हूं मेरे गुरु मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम को, और नमन करता हूं राजस्थान के इस महान जनता को, मेरी माताओं बहनों को, प्यारी बच्चियों को, नौजवान भाइयों को, युवा साथियों को और बुजुर्गों को। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश और देश के सभी सम्मानित नेतागण, भाई संजय वाल्मीकि जी, भाई जितेंद्र अठवाल जी, भाई रामलखन मीणा जी, भाई अनिल ढेनवाल जी, भाई अमरचंद हरसोलिया जी, भाई मोहनलाल बैरवा जी, भाई मुकेश बैरवा जी, भाई सुनील अस्ते जी, भाई महक सिंह जी, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई निजाम चौधरी जी, भाई सत्यपाल चौधरी जी, भाई सतीश कुमार जी, भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस भव्य आयोजन के लिए, और इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि देश के सभी कोनों कोनों में जाके आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूं राजस्थान के भीम आर्मी के कार्यकर्ता को, सभी जिला कमेटियों को, बूथ कमेटियों को, विधानसभा कमेटियों को, प्रदेश कमेटियों को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं बहुजन मीडिया के साथियों को, अपने मीडिया के साथियों को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो खबर कोई नहीं दिखाएगा वो आपके जरिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा देश देखेगा। सम्मानित साथियों, पिछले 6 न्यायिक सम्मेलन हमने किए राजस्थान के अलग अलग कोनों में,
और सातवां सामाजिक न्याय सम्मेलन समापन हमें वो यहां करना था। ये प्रदेश की राजधानी है, उसके साथ साथ जो हमारी साइकिल यात्रा सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति साइकिल यात्रा जो चली हुई है वो भी आगे बढ़ेगी और अलग अलग विधानसभाओं में हमारी सभाएं भी होंगी। और मेरा ये अटल विश्वास है कि इस बार राजस्थान की धरती ऐतिहासिक निर्णय लेगी और अमीरों को नकार के गरीबों के बच्चों को ताकत देने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है राजस्थान में। यहां की सरकार से भी मुझे बहुत कुछ कहना है, कहना इसलिए है क्योंकि हम लोग प्रदेश की राजधानी में हैं। जैसी चमक सूर्य की मेरे चेहरे पे पड़ी है ऐसी चमक आपकी जिंदगियों में आ जाए, यही पूरा आंदोलन है, यही पूरा संघर्ष है, यही लक्ष्य है। और ये चमक तब तक रहेगी जब तक आप लोग संघर्ष करोगे। जिस दिन आपने संघर्ष का रास्ता छोड़ के सुविधा का रास्ता इख्तियार कर लिया ये चमक भी चली जाएगी मेरे साथियों, इस बात को आप लोग याद रखना। तो जैसा मैंने कहा कि यहां की सरकार से भी बात करनी है, लेकिन यहां की सरकार के साथ यहां अपने लोगों से भी बात करने की वो क्या चाहते हैं। अगर आप इन सरकार